हेलो गाइस, मैं हूँ पायल और आज हम बात करेंगे LG वॉशिंग मशीन टॉप लोड फुली ऑटोमेटिक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी इसका डेमो और फीचर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना बहुत ही ईजी होता है। इसमें ना हमें गंदे पानी में हाथ मारना पड़ता है, ना हमारे हाथ खराब होते हैं और टाइम भी बहुत सारा बच जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसके स्टील टब के बारे में। ये इजीली रोटेट होता है और इसी स्टील टब में आपका वॉश, रिंस और स्पिन साइकिल कंप्लीट होता है। इसमें दिया गया है एक डिटर्जेंट बॉक्स जिसमें आप डालेंगे डिटर्जेंट और फैब्रिक सॉफ्टनर। अब बात करते हैं इसके टच पैड की। इसके फंक्शंस मैनेज करने के लिए इसमें टच पैड दिया गया है। ये है पावर का बटन जिसे आप प्रेस करके इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये है स्टार्ट और पॉज का बटन जिसे आप प्रेस करके इसके फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं या कभी भी पॉज कर सकते हैं। इसमें है स्टीम टेक्नोलॉजी, तो इसमें है स्टीम, स्ट्रॉन्ग वेव, हॉट वॉश, टाइम डिले, सोक और कोल्ड वॉश। तो अब मैं पावर ऑन करके स्टार्ट का बटन प्रेस करूंगी और मशीन का ढक्कन बंद कर दूंगी। तो ये एक ऑटोमेटिक वे है जिसमें ये डिटेक्ट करता है कि इसे कितना वाटर लेवल रखना है, पर उसके लिए आपको पहले से ही कपड़े अपने मशीन में रखने पड़ते हैं तभी वो डिटेक्ट कर पाएगा। लेकिन अभी मैं इसका पावर ऑफ कर रही हूँ और अब मैं आपको बताऊँगी इसका मैनुअल वे। चलिए अब मैं इसका दोबारा पावर ऑन कर रही हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट का बटन नहीं प्रेस करूँगी। मैं अब चूज़ करूँगी वाटर लेवल, जो कि डिपेंड करता है कि मेरे पास कितने कपड़ों का लोड है। तो मैं वाटर लेवल के ऊपर टैप करते हुए वाटर लेवल चूज़ करूँगी अपने लोड के अकॉर्डिंग। अब हम बात कर रहे हैं वॉश की। तो कितने मिनट के लिए आप चाहते हैं कि मशीन में आपके कपड़े धुले, तो वॉश के बटन के ऊपर टैप करते हुए आप मिनट्स चूज़ कर सकते हैं कि 3, 6, 10, 12, 14, 17 कितनी देर आप चाहते हैं, कितने मिनट आप चाहते हैं कि आपके कपड़े धुलते रहें। अब हम आ रहे हैं रिंस के ऊपर। इसके बटन पर टैप करते हुए आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके कपड़े कितनी बार साफ़ पानी में रिंस हुए। एक बार रिंस करें, दो बार रिंस करें, कितनी बार रिंस करें, आप टैप करते हुए चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्पिन की। किस स्पीड से आप चाहते हैं कि ये स्पिन करे, लो, हाई, अल्ट्रा या फिर एयर ड्राई। डेलिकेट्स के लिए लो, नॉर्मल के लिए, डेली वेयर के लिए हाई, रफ एंड टफ कपड़ों के लिए अल्ट्रा और सर्दियों के और बरसात के मौसम के लिए एयर ड्राई। तो टैप करते हुए आप चूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए इसके बाकी फंक्शंस। इसमें दिया गया है नॉर्मल, वाइटनिंग, एलर्जी केयर, इको वॉश, क्विक टब क्लीन और बाकी फंक्शंस जो हैं वो है इसमें। ये प्री वॉश फंक्शंस हैं, नॉर्मल, स्कूल केयर, डू इट, डेलिकेट्स, टब क्लीन और डाउनलोड साइकिल। तो अब मैं पावर ऑफ कर रही हूँ। अब मैं पावर दोबारा ऑन करूँगी और आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊँगी। ये मैंने पावर ऑन कर दिया है। अब मैं वाटर लेवल चूज़ करूँगी। मुझे करीब 15-20 कपड़े धोने हैं तो मैं चूज़ कर रही हूँ वाटर लेवल 5। अब मैं चाहती हूँ कि करीब 14 मिनट्स के लिए मेरे कपड़े इसमें धुले, क्योंकि उसमें ज़्यादा मैल नहीं है। रिंस के लिए मैं टैप करते हुए इसमें नंबर 2 चूज़ करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ 2 बार वो मेरे कपड़ों को साफ़ पानी से धोए। और स्पिन मैं चूज़ करूँगी हाई, क्योंकि ये डेली वेयर है। ऊपर नॉर्मल ऑलरेडी चूजन है, तो अब मैं स्टार्ट का बटन प्रेस कर दूँगी और लगभग
35 से 40 सेकेंड में ये मशीन स्टार्ट हो जाएगी और मेरे दिए हुए कमांड के अकॉर्डिंग ये कपड़े धोएगी। ये देखिए वाटर लेवल के ऊपर जो लाइट्स हैं वो नंबर्स के ऊपर ऊपर नीचे ब्लिंक हो रही है, स्टेडी नहीं है। अभी थोड़े ही देर में ये स्टेडी हो जाएगी और ऊपर जो वॉश इंडिकेटर है वो ब्लिंक करने लगेगा, जिसका मतलब है मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको इसका ढक्कन खोल के दिखाती हूँ, इसने पानी भरना शुरू कर दिया है। ये देखिए अभी 5 लेवल तक यानी लगभग आधे टब तक जो है पानी भरेगी। और दोस्तों इसमें कपड़े धोना बहुत ही आसान है, आपके ना हाथ ख़राब होते हैं ना आपको डिटर्जेंट वाले पानी में हाथ डालने पड़ते हैं। खूब सारा टाइम भी सेव होता है, तो उस बचे हुए टाइम में आप अपने बाकी काम भी कर सकते हैं या फिर खूब आराम कर सकते हैं। अब इस चलते हुए पानी में ही मैं डिटर्जेंट ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहें तो मशीन ऑन करने से पहले ही आप इसमें डिटर्जेंट ऐड कर सकते हैं। तो इसमें लगभग मैं 2 टेबलस्पून के जितना डिटर्जेंट ऐड कर दूंगी, आप अपने हिसाब से ऐड करें। और इसमें आप फैब्रिक सॉफ्टनर डाल सकते हैं अगर आप कोई यूज़ करते हैं तो। ये देखिए डिटर्जेंट इसमें घुलने लगा है। कभी भी पहले कपड़े डाल के उसके ऊपर डिटर्जेंट डाल के पानी स्टार्ट ना करें, ऐसा करने से कपड़ों में पैचेस बन जाते हैं। अब मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया है और जैसे ही इसमें लेवल 5 तक पानी भर जाएगा ये मशीन अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगी। कभी भी हार्श केमिकल वाला डिटर्जेंट अपने मशीन में यूज़ ना करें, इससे आपकी मशीन ख़राब हो सकती है। डिटर्जेंट वो ही यूज़ करें जो वॉशिंग मशीन्स के लिए बना है। तो अब लगभग पानी आधा लेवल तक यानी कि 5 लेवल तक भर चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके कपड़े डालना स्टार्ट करूँगी। कभी भी कपड़ों को इकट्ठा ना डालें। और दोस्तों आपके लिए एक टिप और है, कभी भी आप हल्के और गहरे रंग के कपड़े यानी डार्क और लाइट क्लोथ्स को इकट्ठे ना धोएं, ऐसा करने से वाइट कपड़ों की शाइन ख़राब हो जाएगी और ब्लैक में वो ब्लैकनेस यानी वो कालापन नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा उनको अलग अलग दिन धोएं। जैसे आज मैं वाइट कपड़े धो रही हूँ तो कल मैं ब्लैक कपड़े धोऊँगी। और हाँ दोस्तों एक टिप और है आपके लिए, आप ब्लैक कपड़ों के लिए हमेशा आधा अमाउंट डिटर्जेंट का यूज़ करें। जैसे मैंने अभी सफ़ेद कपड़ों के लिए 2 टेबलस्पून यूज़ किया है, तो आप डार्क कपड़ों के लिए 1 टेबलस्पून ही यूज़ करें। और ये कपड़े मैं पलट के डाल रही हूँ, इससे करने से इनके प्रिंट्स ख़राब नहीं होंगे, ये जल्दी फेड नहीं होंगे। और जब ये कपड़े धुल जाएंगे तो मुझे बाहर सुखाने डालने के लिए इनको पलटना नहीं पड़ेगा, तो मेरा टाइम भी सेव होगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। इकट्ठा ना डालें और ज़्यादा ओवरक्राउडेड ना करें, एक एक करके आराम से डालें। ये देखिए दोस्तों मैं सारे कपड़े पलट के डाल रही हूँ, सीधे नहीं डाल रही। तो चलिए अब इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और जैसे ही ये लेवल 5 तक पूरा भर जाएगा ये ऑटो लॉक हो जाएगा, इसमें चाइल्ड लॉक का साइन आ जाएगा, फिर आप इसका ढक्कन बिना पॉज किए नहीं खोल पाएंगे। ये देखिए इसमें रेड कलर का इंडिकेटर आ गया है, ये चाइल्ड लॉक का निशान है। अब ये वॉश साइकिल इसमें स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद ये इसमें करेगा रिंस और लास्ट में स्पिन। अभी 54 मिनट्स का साइकिल हमने सेट किया है,
चलिए दोस्तों, अब इसमें जो है वॉश साइकिल हमारी ब्लिंक होनी बंद हो चुकी है। अब रिंस वाली जो हमारा इंडिकेटर है वो ब्लिंक कर रहा है और 37 मिनट्स दिखा रहा है। मैं एक बार पॉज करके आपको दिखाती हूँ ताकि इसका चाइल्ड लॉक हट जाए और मैं इसे खोल सकूँ। ये देखिए, ये देखिए सारा पानी निकल चुका है। अब इसे ये रिंस करेगा, जैसे कि मैंने 2 नंबर चूज़ किया था तो 2 बार इसको ये साफ़ पानी से रिंस करेगा। तो चलिए अब मैं इसे वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। दोबारा इसमें चाइल्ड लॉक का निशान आ गया है, ये देखिए। अब ये इसको स्पिन कर रहा है और इसमें 8 मिनट बचे हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ भी ब्लिंक नहीं कर रहा, कोई मिनट नहीं दिखा रहा। वॉश साइकिल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, कपड़े धुल चुके हैं और अच्छे से सूख भी चुके हैं। और ये जैसे पलटे हुए डाले थे तो मैं आसानी से इनको बाहर डाल के सुखा दूंगी। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी हैं, और मेरी बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखें। धन्यवाद। नमस्ते।